तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 की सोशल साइंस के चैप्टर 4 पे। तो चैप्टर है दोस्तों द मुगल एम्पायर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एम्पायर एक्चुअली होता क्या है, एम्पायर कहलाने के क्या क्या फीचर्स होते हैं, एम्पायर कहलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि एम्पायर एक्चुअली होता क्या है। तो दोस्तों, जहां तक एम्पायर की बात करें, जब एक डोमेन पे कोई सिंगल अथॉरिटी रूल करता है तो उसे एम्पायर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंट्री पे एक सिंगल अथॉरिटी रूल करता है, एक पूरी पावर जो है अगर किसी सिंगल आदमी के हाथ में होता है तो उसे एम्पायर कहलाता है। तो दोस्तों, एम्पायर के फीचर्स की जहां तक बात करें, तो एम्पायर में एक अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, हेरिडिटरी ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। ये दो जो है मेनली अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जब एम्परर मर जाता है, जब रूलर मर जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसका बड़ा बेटा रूलर बन जाता है एम्पायर में, विदाउट एनी इलेक्टोरल प्रोसेस और विदाउट एनी इलेक्शंस, बगैर कोई इलेक्शंस के या इलेक्टोरल प्रोसेस के वो ऑटोमेटिकली राजा बन जाता है। तो इसी को दोस्तों एम्पायर कहते हैं। तो एम्पायर की डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं, ए डोमेन रूल्ड बाय ए सिंगल अथॉरिटी इज कॉल्ड एन एम्पायर। तो ये हो गया दोस्तों एम्पायर। तो ऐसी ही एक एम्पायर मुगलों ने इंडिया में इस्टेब्लिश की थी, जिसे द ग्रेट या द माइटी मुगल एम्पायर कहलाते हैं। तो दोस्तों, जहां तक मुगल एम्पायर का सवाल है, कैसे मुगलों ने इंडिया में अपनी एम्पायर इस्टेब्लिश की, तो उससे पहले सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुगल्स एक्चुअली कौन थे, वो कहाँ से आए थे, उनके डिसेंडेंट्स क्या थे। तो इस चीज पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो जहां तक मुगल्स की लीनियज का सवाल है, तो सेंट्रल एशिया में जो मंगोल ट्राइब थे, उन मंगोल ट्राइब के जो दो बड़े कॉन्करर्स थे, तैमूर लेन और चंगेज खान, इन्हीं के डिसेंडेंट्स थे मुगल्स। फॉर एग्जाम्पल, तो उनके जहां तक उनके पेटर्नल लीनेज का सवाल है, तो वो तैमूर लेन से बिलोंग करते थे, और मेटर्नल लीनेज के हिसाब से वो लोग चंगेज खान से बिलोंग करते थे। तो मुगल्स के बारे में ये कहा जाता है, इतिहासकार या हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि दो बड़े ग्रेट कॉन्करर्स के खून जो है मुगलों के रगों में दौड़ रहे थे। तो ये मुगलों के बारे में कहना है बहुत सारे इतिहासकारों का। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि इंडिया में कैसे मुगल रूल वजूद में आता है, कैसे इंडिया में मुगल रूल इस्टेब्लिश होती है, कौन फाउंडर थे मुगल रूल के इंडिया में, किसने मुगल रूल को इंडिया में इस्टेब्लिश किया था। तो दोस्तों, जहां तक इंडिया में मुगल रूल की बात करें, तो बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को मुगल रूल का या मुगल एम्पायर का फाउंडर माना जाता है। उसी ने इंडिया में मुगल रूल इस्टेब्लिश किया था। तो बाबर जो था वो काफी एम्बिशियस रूलर था। 12 साल की उम्र में ही वो सेंट्रल एशिया में फरगना का रूलर बन जाता है। वो अपने आबाव अजदाद जैसे कि तैमूर की तरह, वो भी एक बहुत बड़े एम्पायर बनाना चाहता है, एक बहुत बड़ी डोमेन पे रूल करना चाहता है। तो 1504 में वो क्या करता है, काबुल पर अटैक करता है और काबुल को कन्कर करता है। उसके बाद वो इंडिया की तरफ मोड़ता है। तो इंडिया में आने की उसकी एक खास मकसद थी। तो दोस्तों, उस वक्त इंडिया जो था काफी रिच था इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स एंड मिनरल्स। तो उस वक्त इंडिया को गोल्डन स्पेरो कहा जाता था, काफी रिच था इंडिया। तो ये रिचनेस जो है बाबर को ड्राइव करता है इंडिया पर अटैक करने का या इंडिया में अपनी हुकूमत इस्टेब्लिश करने का, इसीलिए वो इंडिया को चुनता है अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट जो मुगल एम्पायर से पहले जो लास्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के, लूधी डायनास्टी जब इंडिया में रूल कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के, तो इब्राहिम लूधी इंडिया में उस वक्त रूल कर रहे थे जब बाबर इंडिया में आए। तो 1524 में बाबर जो है वो इंडिया की तरफ मार्च करते हैं, दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं।
तो इब्राहिम लूदी लूदी डायनास्टी के इंडिया में रूल कर रहे थे। तो 1526 में एक डिसेसिव बैटल लड़ी जाती है बाबर और इब्राहिम लूदी के बीच में, जिसे द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं 1526 में। तो इस बैटल में दोस्तों इब्राहिम लूदी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ता है और बाबर जो है कामयाब होते हैं। वो इसी से मुगल रूल इंडिया में शुरू हो जाती है, मुगल रूल इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाती है। तो दोस्तों एक्चुअली बाबर की आर्मी जो थी उस बैटल ऑफ पानीपत में काफी ज्यादा नहीं था एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इब्राहिम लूदी। इब्राहिम लूदी की एक बहुत बड़ी फौज थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसको शिकस्त का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाबर के जो मिलिट्री टैक्टिक्स थे वो काफी सुपीरियर थे, काफी डिसिप्लिन मिलिट्री थे उसके, काफी ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री थी। और उसके अलावा उसने उस जंग में, उस पानीपत की लड़ाई में, उसने गन पाउडर का इस्तेमाल किया, आर्टिलरी का इस्तेमाल किया। पहली बार इंडिया में इस इन चीजों का इस्तेमाल हो रहा था एक जंग में, जिसकी वजह से इब्राहिम लूदी को हार का मुंह देखना पड़ा और यहीं से मुगल रूल इंडिया में एस्टेब्लिश होती है। उसके बाद दोस्तों 1527 में वो बाबर जो है यहीं पे नहीं रुकता है, वो राणा संगा को हरा देता है जो मेवाड़ के रूलर था। तो 1527 में उसने बैटल ऑफ खानवा में, हाँ बैटल ऑफ खानवा में मेवाड़ के रूलर को, राणा संगा को हरा देता है। तो इस विक्ट्री से फॉर्मली मुगल रूल जो है वो इंडिया में एस्टेब्लिश होता है। उसके बाद 1529 में और एक बैटल लड़ती है, वो अफगान्स के साथ, बैटल ऑफ गगर जिसे कहा जाता है। उस बैटल में उसने अफगान्स को भी हरा दिया और मुगल रूल जो है अब इंडिया में पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो चुका था। बट अनफॉर्चुनेटली बाबर जो है वो अपने रूल को, अपने एम्पायर को बहुत लंबे अरसे के लिए एंजॉय नहीं कर पाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है 1530 में, 1530 में बाबर की मौत हो जाती है। तो बाबर के टाइम के लिए मेन सोर्स माना जाता है दोस्तों बाबर की ऑटोबायोग्राफी, जो खुद बाबर ने लिखी थी, बाबरनामा जिसे कहते हैं, या तो उसके बाबरी जिसे कहते हैं। तो उससे वो प्राइमरी सोर्स माना जाता है बाबर के टाइम पीरियड को, या अर्ली मुगल्स की स्टडी के लिए तो इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है। मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में बाबरनामा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है। तो दोस्तों इसके बाद जैसे कि हमने पहले बोला कि एक अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, एक मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब रूलर मर जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका बड़ा बेटा रूलर बन जाता है। तो वैसे ही एक एम्पायर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इसी तरह बाबर के चार बेटे थे दोस्तों, एक था हिंदाल, दूसरा कमरान, आस्करी और हुमायूं। हुमायूं जो था बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। तो होता क्या है, हुमायूं जो है वो आप रूलर बन जाता है, हुमायूं जो है आप दिल्ली सल्तनत का रूलर बन जाता है। तो हुमायूं जो था वो काफी इनकॉम्पिटेंट था एज कंपेयर टू बाबर। एक तो उसे एक बहुत ही वास्ट किंगडम मिला था रूल करने के लिए, बट वो जो किंगडम जो थी वो अभी तक कंसोलिडेट नहीं था, वो यूनिफाइड नहीं था, मुस्तहकम तौर पर वो इस्टेब्लिश्ड नहीं था। तब आप हुमायूं पर जिम्मेदारी थी उस बड़े एम्पायर को, उस वास्ट एम्पायर को कंसोलिडेट करने की जिम्मेदारी थी। तो सबसे पहले गलती हुमायूं क्या करता है दोस्तों, वो अपनी एम्पायर को अपनी भाइयों में डिवाइड करता है, जैसे कि वो अपने तीनों भाइयों को अलग अलग प्रोविंस का गवर्नर बना देता है, जिससे कहीं ना कहीं उसकी सुपरमेसी जो है वो कम हो जाती है। तो उसका एक सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं रहता है उसके हाथों। तो ऊपर से जो गुजरात से बहादुर शाह जो है उसको अपोज करता है, बिहार का गवर्नर उसको अपोज करता है, और ईस्ट में, ईस्ट इंडिया में अफगान्स जो है उसको अपोज करता है शेर खान की क्यादत में। तो इनिशियली उसको थोड़ी सी कामयाबी मिलती है जब वो गुजरात और मालवा पर अपनी कंट्रोल जमा देता है, अपना कब्जा जमा लेता है और वो बहादुर शाह को हरा देता है। उसके बाद वो ईस्ट की तरफ मुड़ते हैं, जहां शेर खान जो है वो अफगान्स जो है शेर खान की क्यादत में काफी स्ट्रांग थे, काफी मजबूत थे। तो जब हुमायूं ईस्ट की तरफ मुड़ते हैं तो अफगान्स के हाथों दो कंजिक्यूटिव लड़ाई में उसको हार का मुंह देखना पड़ता है। पहले बैटल ऑफ चाउसा में 1539
को उसको हारना, उसको हार का मुंह देखना पड़ता है। उसके बाद 1540 में बैटल ऑफ कनौज में उसको एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ता है। वो शेरशाह शेर खान के साथ वो दो लड़ाई लड़ती है, फर्स्ट वन द बैटल ऑफ चावसा, बैटल ऑफ चावसा जो 1539 में लड़ता है हमायून और शेर खान के बीच में। तो उस जंग में हमायून को हार का मुंह देखना पड़ता है। उसके बाद 1540 में एक और जंग लड़ता है हमायून शेरशाह से या शेर खान से, जिसे बैटल ऑफ कनौज कहते हैं। उस जंग में भी शेरशाह को फतह मिलता है, हमायून हार जाता है और हमायून को इंडिया छोड़ने पर मजबूर होता है और आखिरकार हमायून इंडिया से भाग जाते हैं, वो काबुल चले जाते हैं। बाद में काबुल से भी भागकर वो पर्शिया चले जाते हैं, जहां पर वो अगले 15 साल के लिए रहते हैं। तो मुगल रूल जो है इंडिया में ऑलमोस्ट खत्म हुआ। हमायून के हारने की वजह से मुगल रूल जो है इंडिया में ऑलमोस्ट खत्म हुआ था। तो अब दोस्तों यहां से इंडिया में सेकंड अफगान रूल शुरू होता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहला अफगान रूल जो है वो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे एस्टेब्लिश होता है, जब लूदी डायनास्टी इंडिया में रूल करता है या दिल्ली के ऊपर रूल करता है। तो यहाँ शेर खान की क़यादत में अफगान जो है सेकंड अफगान रूल इंडिया में इस्टेब्लिश करता है और शेर खान जो है वो रूलर बन जाता है दिल्ली का और उसको खिताब मिलता है, टाइटल मिलता है शेर शाह का। तो शेर शाह अगले 5 साल के लिए दिल्ली के ऊपर हुकूमत करता है। दोस्तों शेरशाह अगले 5 साल के लिए, अगले 5 साल में वो अपनी एम्पायर को कंसोलिडेट करने पर फोकस करता है, वो अपने एम्पायर को मुस्तहकम करने की कोशिश करता है। अनफॉर्चुनेटली उसका जो रूलिंग पीरियड था वो सिर्फ 5 साल का था, 5 साल के बाद वो मर जाता है। तो शेरशाह जो था काफी स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर था, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की काफ़ी सराहना की जाती है सभी हिस्टोरियंस द्वारा, सभी इतिहासकार द्वारा उसके एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की काफ़ी सराहना करते हैं सभी हिस्टोरियंस। तो शेरशाह अगले 5 साल में अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करने पर फोकस करता है, वो अपने एम्पायर को काफ़ी हद तक कंसोलिडेट भी करता है। फॉर एग्जांपल अब शेरशाह के टाइम में उसका एम्पायर जो है वो ब्रह्मपुत्रा बंगाल से ईस्ट में, ब्रह्मपुत्र बंगाल तक और वेस्ट में इंडस रिवर तक फैला हुआ था, ये एक्सटेंड था शेरशाह की एम्पायर का। दोस्तों तो शेरशाह जो है एक स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर था, उसके एक बहुत बड़ी आर्मी थी जो थ्रू आउट द स्टेट, थ्रू आउट द टेरिटरी लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखता था। शेरशाह को एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है, एक स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। ये हमें उसकी अचीवमेंट से पता चलता है, उसकी कंट्रीब्यूशन से पता चलता है कि वो कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे उसके अचीवमेंट्स के बारे में, शेरशाह के क्या क्या अचीवमेंट्स थे। जैसे कि सड़क अजम ग्रैंड ट्रंक रोड को उसने रिकॉन्स्ट्रक्ट किया था। दोस्तों ये सड़क जो है बंगाल से अफगानिस्तान को जोड़ता है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक इतना ये फैला हुआ था, तकरीबन बोला जाता है कि 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो ये इंपीरियल मौर्यास के टाइम पे इस सड़क को बनाई गई थी, तो शेरशाह ने इसको दोबारा से रिकॉन्स्ट्रक्ट किया था। ये उसके सबसे बड़े अचीवमेंट्स में माना जाता है। वो काफ़ी पब्लिक वेलफेयर के लिए वो काफ़ी काम करते थे, वो अपनी जनता के लिए काफ़ी चिंतित रहते थे, हमेशा उसकी उनकी भलाई सोचते थे। जैसे कि बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए उसने, सरायस बनाए ट्रैवलर्स के लिए, क्योंकि जो ट्रैवलर्स होते थे आमतौर पर जो ट्रेड और कॉमर्स को उसने बहुत बड़े पैमाने पे प्रमोट किया था, जो ट्रेडर्स होते थे तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड के लिए चलते रहते थे, तो उनकी कन्वीनियंस के लिए उसने बहुत बड़े पैमाने पर सरायस बनाए, हर जगह सरायस बनाए और हर रोड साइड पर उसने वेल्स खोदे पानी के लिए और बहुत बड़े पैमाने पे ट्रीज प्लांट किए, दरख्त लगाए। तो ये पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम करते थे। तो तीसरी उसकी अचीवमेंट थी दोस्तों, उसने करेंसी सिस्टम को बहुत अच्छे से रिफॉर्म किया था। तो शेरशाह सूरी से पहले क्या हुआ करता था, इंडिया में एक मिक्सड मेटल्स का करेंसी हुआ करता था, तो उसने मेनली
तीन टाइप के करेंसीज उसने सर्कुलेट किए। पहला जो सिल्वर क्वाइन उसने इंट्रोड्यूस किया जिसे रुपया कहते हैं, और उसके बाद गोल्ड क्वाइन को उसने इंट्रोड्यूस किया जिसे मोहर कहते हैं, और कॉपर क्वाइन जिसे डैम कहते हैं। तो ये तीनों करेंसीज जो है शेरशाह सूरी के टाइम पे ही सर्कुलेट हुए थे दोस्तों, जिसमें से रुपया जो है, जो सिल्वर क्वाइन था, वो आज भी हमारे इंडिया में चलता है, उसी का बनाया हुआ रुपया है। अब शेरशाह जो थे वो काफ़ी अच्छे बिल्डर भी थे, वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के काफ़ी शौकीन थे। जैसे कि दिल्ली में एक फोर्ट बनाया है, पुराना किला जिसे कहते हैं, ये शेरशाह ने ही बनाया था। उसे पता चलता है कि ये कितना आर्ट और आर्किटेक्चर को कितना ये पसंद करते थे, कितना आर्ट और आर्किटेक्चर के ये शौकीन थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है दोस्तों, 5 साल के रूल के बाद 1455 में उसकी मौत हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इतिहासकार उसके बारे में ऐसा बोलते हैं दोस्तों, अगर शेरशाह 5-10 साल के लिए और दिल्ली पर हुकूमत करते तो शायद मुगल रूल दोबारा से इंडिया में एस्टेब्लिश नहीं होता, ये इतना स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर था। तो अचानक उसकी मौत हो जाती है, और एक उसके बाद एक बहुत ही कंफ्यूजन का समय आ जाता है, क्योंकि उसके मौत जो है, एक तो सडन मौत हो जाता है, दूसरा तो उसके जो सक्सेसर्स थे वो काफी इनकॉम्पिटेंट थे, वो शेरशाह की तरह इतना एबल नहीं था। तो उस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर हुमायूं जो है एक बार फिर वो पर्शिया से वापस आकर दिल्ली में मुगल रूल को दोबारा से एस्टेब्लिश कर लेता है, और मुगल रूल इंडिया में एक बार फिर शुरू होता है दोस्तों। तो उसके बाद हुमायूं 1 साल के लिए रूल करता है 1555 में, जैसे कि वो दिल्ली का एक बार फिर रूलर बन जाता है, मुगल एम्पायर को एक बार फिर एस्टेब्लिश करता है 1555 में, और 1556 में उसकी मौत हो जाती है, हुमायूं की भी मौत हो जाती है। वो अपने ही बनाए हुए एक लाइब्रेरी थी जिसे दीन पना कहते थे, उसी की सीढ़ी से गिरकर उसकी मौत हो जाती है, और उसके बाद अकबर द ग्रेट मुगल एम्पायर बन जाते हैं, मुगल एम्परर बन जाते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे अकबर के बारे में, कैसे अकबर को क्यों ग्रेट कहा जाता है, ग्रेटेस्ट ऑफ द मुगल एम्पायर कहा जाता है। लेकिन एक चीज मैं यहां बताता हूं दोस्तों कि शेरशाह सूरी को फोर रनर ऑफ अकबर कहा जाता है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थे